मध्य प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इस साल के अंत में राज्य में चुनाव होंगे। जातिगत समीकरणों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लोगों की बदलती जरूरतों को देखते हुए राज्य के सभी 6 संभागों में अपने मतदाता समर्थन को बरकरार रखना दोनों पार्टियों के लिए हमेशा एक चैलेंज के तौर पर रहा है। कांग्रेस ने 1950 से 1977 तक राज्य पर शासन किया। राज्य में मजबूत आधार रखने वाला दक्षिण पंथ 1977 में पहली बार सत्ता में आया, जब भारतीय जनसंघ की सरकार बनी। इसके बाद जनसंघ से निकली बीजेपी ने 1990 से 1993 तक शासन किया। कांग्रेस 1993 में सत्ता में आई और 2003 तक डटी रही। बीजेपी 2003 में सत्ता में वापस आई और 2018 के चुनावों के बाद 15 महीनों को छोड़कर लगातार शासन कर रही है। अब दोनों पक्ष सत्ता बरकरार रखने या छीनने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वंशवाद की राजनीति के कारण कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है, तो बीजेपी की स्थापना के पीछे आरएसएस का मजबूत आधार है। भौगोलिक तौर पर 6 क्षेत्रों में बटे इस राज्य में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कांतिलाल भूरिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे राजनीतिक दिग्गज हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्र और जातियों पर मजबूत प्रभाव है। मालवा निमाड़ की जीत अहम। मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि भोपाल की कुर्सी उस पार्टी की होती है जो राज्य के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से सबसे बड़े मालवा निमाड़ यानी इंदौर उज्जैन संभाग को जीतता है। खास तौर पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इस क्षेत्र से गुजरी। राहुल गांधी ने शनिवार को मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाजापुर जिले में आगामी चुनावों के लिए अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस क्षेत्र में दो बड़े शहर हैं, इंदौर और उज्जैन। क्षेत्र में कुल 66 सीटें हैं, जिनमें से 2018 में कांग्रेस को 35 मिली। उज्जैन संभाग की 29 में से 11 सीटें और इंदौर संभाग की 37 में से 24 सीटें कांग्रेस के पाले में आई। विंध्य में कैसा असर। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी ने 2018 में 30 में से 24 सीटें जीती। हालांकि सरकार में भागीदारी की कमी के कारण कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भावनाएं पैदा करने में सफल रही और इस क्षेत्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रियों सिंधिया और तोमर के गढ़ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस ने 2018 में 34 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें जीती। सिंधिया तब कांग्रेस में थे, हालांकि वो और उनके 22 वफादार विधायक मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। इस कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई। महाकौशल में कांग्रेस का प्रदर्शन। महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। 2018 में कुल 38 सीटों में से 24 उसकी झोली में गई और इस क्षेत्र में जबलपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ है। महाकौशल क्षेत्र के 8 जिलों में 15 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं। कांग्रेस को 2018 के चुनावों में उनमें से 13 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने शेष 2 सीटें जीती। और यही कारण है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहीं से लाडली बहना योजना की पहली किस्त भी जारी की थी। भोपाल में कैसा प्रदर्शन। भोपाल संभाग, जिसमें रायसेन, विदिशा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर शामिल है, इनमें 25 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से 17 बीजेपी के पास है, जबकि 8 कांग्रेस के पास, जिनमें भोपाल जिले की 3 सीटें शामिल हैं। और इसी तरह होशंगाबाद, जिसका नाम पिछले साल बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, इनमें कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी को उनमें से 7 सीटें मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।